किसी का कोई जन्मदिन है उसकी बड़ी बड़ी होर्डिंगें लग रही हैं, जाता है भाई पैसा, बड़ी बड़ी रैलियाँ ऑर्गेनाइज कर रहे हो, किसका है पैसा? प्रधानमंत्री जी खेती करने तो जाते नहीं हैं, गृह मंत्री जी कहीं उनके खेत पर्सनल तो है नहीं। देश में बेरोजगारी, देश में महंगाई, ये चीज़ें जो है ये मुख्य धारा की बात न बने, मुख्य मुद्दे न बने, इसलिए इन्होंने एक ज़बरदस्त तरीके का एक एजेंडा इन्होंने अपना रखा है। और वो एजेंडा क्या है? वो एजेंडा है जय श्री राम। आज आम इंसान अपने लाइटर से गैस को जलाने से डरता है, अपनी स्कूटी और मोटरसाइकिल के ऊपर जो है ना हाथ रखने, उस पर बैठने से पहले तो 100 बार ये सोचता है इसे मैं बाहर निकालूं या ना निकालूं। उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर जिला पड़ता है, वहाँ बताओ 60 किलो नींबू चोरी हो गए? नींबू कोई चोरी होने वाली चीज़ है क्या? 60 किलो लोग नींबू चुरा करके ले गए? नहीं, इस समय तो बहुत भाव बढ़ गए हैं नींबू के, इसलिए चोरी। हाँ तो क्यों बढ़ गए, कैसे बढ़ गए? जिस नींबू और मिर्ची से लोगों की नज़र बसती थी, आज नींबू और मिर्ची को ही नज़र लग गई। इससे बड़ा और मैं उदाहरण क्या दूँ आपको, आप बताओ मुझे। गोपाल तिवारी जी तेज तरह प्रवक्ता भी हैं और नए उम्र दराज भी हैं, क्या आपको लगता है कि इस देश के अंदर में महंगाई बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा है या फिर कुछ और? देखिए, बेरोजगारी और महंगाई बड़ा मुद्दा ही नहीं, इस समय का एकमात्र मुद्दा यही है जो इस देश को संकट से निकाल सकता है। अगर इस बात को कोई नज़रअंदाज करे कि बेरोजगारी और महंगाई कोई मुद्दा नहीं है और हम राष्ट्रवाद, देश हित, सर्वोपरि, हिंदुत्व राष्ट्र, इन सब चीज़ की एक झूठी परिकल्पना लेकर के इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देना, इन सब चीज़ों को दरकिनार कर देना, मुझे लगता है कि ये जो है कोई समाधान नहीं है। आपको मैं बता दूं कि महंगाई इस चरम पर आज पहुंच चुकी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप दिल्ली में खड़े हैं इस समय, कनाल प्लेस के एरिया में, इसी के चारों तरफ सबसे ज़्यादा, पूरी दिल्ली में सबसे ज़्यादा ऑटो चलाने वाले लोग इधर ही हैं चारों तरफ। और मैंने देखा कि जिस ऑटो का रेट 10 रुपये होता था मुश्किल से 2-3 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के लिए, आज वो 50-60 रुपये मांगता है। जब उससे कहा जाता है कि 50-60 रुपये कैसे, 10 रुपये पड़ते थे आज के कुछ समय पहले, तो वो कहता है भैया हमारी इतनी औकात, हमारी इतनी क्षमता नहीं है कि हम अपना घर परिवार जो है उसको भूखा रख करके, सब कुछ ताक पर लगा करके मैं आपको सवारी करवा पाऊँ, एक जगह से दूसरी जगह छोड़ पाऊँ। CNG इतनी महंगी हो गई है, पेट्रोल डीजल इतना ज़्यादा महंगा हो गया है कि वो सब यूनिटी जो है अपनी, जो उनकी बिखरी हुई थी, वापस यूनाइट हो रहे हैं सारे लोग। और रही बात रोज़गार की, तो रोज़गार ये आज से बड़ा मुद्दा नहीं है, ये बीते कई सालों से बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये जो राष्ट्रवादी सरकार है, 7 साल में जिसने बड़े कारनामे करके दिखाए ऐसा वो कहती है, इनके तथाकथित प्रवक्ता कहते हैं 7 साल में 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया, ये हम तो कहते नहीं हैं। चलो हम कह दें तो एक बार कहते, कोई ये कह देगा कि भाई ये तो जो है विरोधी हैं सरकार के, इसलिए ऐसा कहते रहे। मैंने नहीं, ये बाकायदा रिपोर्ट आई, NSSO का आंकड़ा आया, उसने बताया। और आज बेरोजगार सिर्फ वो नहीं होता है कि जो अभी तैयारी कर रहा है जिसको नौकरी नहीं मिली, जो पढ़ लिख रहा है उसको नौकरी नहीं, बेरोजगार वो भी है जिसने पढ़ाई लिखाई नहीं की, अपनी शारीरिक बल, अपनी फिजिकल मेहनत की वजह से यदि वो 5,000, 7,000, 10,000 रुपये कमा सकता था, आज वो 2,000 रुपये नहीं कमा पा रहा है। आज के 1-2 साल पहले जब इन्होंने महंगाई बढ़ानी शुरू की, इन्होंने जो है लोगों की जो दैनिक जीवन की, जो उनकी जीने की जो कमाई होती थी वो किसी तरीके से गुजर बसर कर लेते थे, जब इनको उससे भी इनका पेट नहीं भरा तो इन्होंने सिलेंडर के, पेट्रोल के, डीजल के दाम उठाने शुरू कर दिया ज़बरदस्त तरीके से। आज आम इंसान अपने लाइटर से गैस को जलाने से डरता है, अपनी स्कूटी और मोटरसाइकिल के ऊपर जो है ना हाथ रखने, उस पर बैठने से पहले तो 100 बार ये सोचता है इसे मैं बाहर निकालूं या ना निकालूं। ये आलम हो गया है, ये सवाल है कई सारे। और मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा दिन नहीं, आने वाले कुछ ही समय में बेरोजगार और महंगाई से पीड़ित जितने भी लोग, बेरोजगार कौन है और महंगाई से पीड़ित कौन है, ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, ये दोनों एक हैं। महंगाई से पीड़ित कौन है? बेरोजगार वो लोग, वो बच्चे जो युवक हैं, जो युवा वर्ग से आते हैं, जिनकी 30 साल, 35 साल, 40 साल, 25 साल की जिनकी उम्र है, जो प्राइवेट नौकरी 10,000 रुपये की कर सकता था, 15,000 की कर सकता था, 20,000 की कर सकता था, खुद के धंधे जो कर सकता था,
आत्मनिर्भर बनकर के जो धंधे कर सकता था वो धंधे नहीं कर पा रहा है। 10,000-15,000 रुपए की नौकरी जहां उसको आसानी से मिल जाते थे 10-15,000, आज वहां उसको 2,000-3,000 रुपए कंपनी वाला देने को तैयार नहीं है, खून पी लेता है उसका। तो आप कैसे देखते हैं इसको कि मतलब कोई भी सरकार आती, चाहे कोई भी सत्ता में होता, तो क्या आपको लगता है कि महंगाई इसी दर से बढ़ रही होती? नहीं, कैसे बढ़ रही होती इस दर से? मुझे लगता है कि सरकार चाहे कोई भी होती इतनी असंवेदनशील तो नहीं हो सकती थी, इतने अनैतिकता से भरे हुए मार्ग पर तो वो नहीं चल सकती थी। आप देखिए, आलम यहाँ तक आकर के रुक गया है, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश में शाहजहाँपुर जिला पड़ता है, वहाँ बताओ 60 किलो नींबू चोरी हो गए। नींबू कोई चोरी होने वाली चीज़ है क्या? 60 किलो लोग नींबू चुरा करके ले गए। नहीं, इस समय तो बहुत भाव बढ़ गए हैं नींबू के, इसलिए चोरी। हाँ, तो क्यों बढ़ गए, कैसे बढ़ गए? आप एक चीज़ बताओ भैया, मुझे एक बात बताओ, आज के डीजल से भी ज़्यादा, आप मुझे ये बताओ, डीजल से भी ज़्यादा। हाँ, एक समय ऐसा था कि सुबह सुबह दुकान पर कुछ लोग आते थे नींबू और मिर्ची लेकर के, और उस पर टांग करके जाते थे, भैया इसको लगा लो, सुबह से शाम तक आपकी अच्छी कमाई होगी, नज़र नहीं लगेगी नींबू और मिर्ची से। आज नींबू को ही नज़र लग गई। यह न्यू इंडिया का सबसे बड़ा कमाल है, जिस नींबू और मिर्ची से लोगों की नज़र बसती थी, आज नींबू और मिर्ची को ही नज़र लग गई। इससे बड़ा और मैं उदाहरण क्या दूँ आपको, आप बताओ मुझे। तो आप क्या मानते हैं तिवारी जी, बड़े आप इसीलिए आप काफ़ी चर्चित भी रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर के तमाम बड़ी मीडिया में भी, क्योंकि आप बातों का जवाब बहुबी देना जानते हैं। सवाल यही है कि मतलब कारण क्या रहा होगा जो इतनी दिन प्रतिदिन जो है बेतिहासा महंगाई बढ़ती जा रही है, आखिर कुछ तो कारण होगा ना? देखिए, कारण मैं समझता हूँ, असल में होता क्या है कि अहंकार एक ऐसा बीज होता है, जब वो किसी के अंदर घुसता है तो फिर उसकी आँखों पर एक अजीब तरीके की पट्टी वो बांध देता है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इतिहास में कई बार हुआ है, और बीते 100-200 साल में नहीं, हमारे यहाँ मुस्लिम सत्ता रही, उसके बाद में मुगलों का शासन रहा, सब में अहंकार जिनके पास भी गया, जिनमें भी बीज उसका बोया गया, तो उन्होंने ऐसे अत्याचार किया और ख़त्म भी वो हुए। ऐसी बात नहीं है, इनको ऐसा लगता है कि देश में बेरोजगारी, देश में महंगाई, ये चीज़ें जो है ये मुख्य धारा की बात ना बने, मुख्य मुद्दे ना बने, इसलिए इन्होंने एक ज़बरदस्त तरीके का एक एजेंडा इन्होंने अपना रखा है। और वो एजेंडा क्या है? वो एजेंडा है जय श्री राम। आज से पहले कभी भी मैंने तो नहीं देखा कि राम नवमी के दिन देश और प्रदेश में दंगे हुए हों। राम नवमी के दिन इन्होंने एक एजेंडा पकड़ लिया, क्योंकि ये जानते हैं कि मैंने एक मकड़ जाल तैयार किया है, और उस मकड़ जाल में उसका नाम हिंदू दिया है, और हिंदू का स्लोगन है जय श्री राम। अब इसी को बोल बोल करके, इसी को बोल बोल करके जो महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, हम कह देंगे ये अलगाववादी है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये पाकिस्तान का समर्थक है, ये देश में अमन और चैन नहीं चाहता है। रोजगार पर जो बात उठाएगा, हम कह देंगे इसको तो इन्फ्लुएंस कर दिया गया है किसी तरीके से। और हो सकता है आप हमारे पास माइक लेकर के खड़े हो और इस तरीके के सवालों के जवाब आसानी से आप सुन लो, इस सवालों के जवाब आसानी से आप सुन लो, हो सकता है कल को कह दिया जाए ये तो DS4 वाला भी लगता है किसी से इन्फ्लुएंस्ड है। इसने काउंटर क्वेश्चन नहीं किया, भैया बड़ा अजीब तरीके का नैरेटिव चला, ये तमाम सवाल हैं। और हम सिर्फ सवालों पे बात नहीं करते हैं, हमने कारण किसी के, हमारे पास निवारण भी है। तो अगर दो 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 पॉइंटों में अगर पूछा जाए कि देखिए, अगर ज़्यादा बात ना घुमा करके सीधे दो पॉइंट पकड़ा जाए, महंगाई बढ़ने का कारण क्या हो सकता है, दो पॉइंट में अगर बताना चाहें तो क्या वो जवाब हो सकता है? महंगाई बढ़ने का सिर्फ एक ही कारण है, इनके अपने जो लोग थे खास, सरकार के जो खास लोग थे, जो बेरोजगार थे, और जिन्होंने भरपूर समर्थन दिया। समर्थन कैसा? हिंसा फैला करके इसको मारा, उसको पीटा, इस मुसलमान को पकड़ करके दबा दिया, उस मुसलमान को पकड़ करके दबा दिया, ज़बरदस्त तरीके से जिन्होंने हिंसा फैलाई, तो उनको किसी तरीके से मैनेज तो करना ही था ना। उनको मैनेज करने के लिए इन्होंने हर चीज़ को लूटना शुरू कर दिया, क्योंकि इनका एक एजेंडा है। एजेंडा क्या है? दो तीन एजेंडे हैं इनके। पहला, ये एडवर्टाइजमेंट पे देश के लोगों का सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, एडवर्टाइजमेंट पे, विज्ञापनों पे, छोटी से छोटी चीज़ का। छपी है प्रधानमंत्री जी की नूरानी हंसती हुई फ़ोटो, गृह मंत्री जी की, हर बात पर, किसी का कोई जन्मदिन है उसकी बड़ी बड़ी होर्डिंगें लग रही हैं, जाता है भाई पैसा, बड़ी बड़ी रैलियाँ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, किसका है पैसा? प्रधानमंत्री जी खेती करने तो जाते नहीं हैं, गृह मंत्री जी कहीं उनके खेत पर्सनल तो है नहीं। इस देश के लोगों ने आपको यदि सत्ता दी है
शासन आपको सौंपा है तो कम से कम देश के लोगों का ख्याल तो रखना चाहिए ना। कर देखिए, रखने की बात कर रहे हैं, लोगों का जो है देखभाल करने की बातचीत कर रहे हैं, तो यही चीज़ तो हम लोग जब ग्राउंड में जाकर के पूछते हैं तो लोगों का यही होता है, सबसे पहले फटाक से जवाब यही निकलता है, राशन तो दे रहे हैं ना, क्या दिक्कत, विश्वगुरु देश बनने जा रहा है, आज तक तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ, हम लोग बहुत सेफ महसूस कर रहे हैं, इस तरीके की जवाबें मिलती हैं। विश्वगुरु तो मैं नहीं कह सकता, उसके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन विश्वगुरु देश हमारा जरूर बनने जा रहा है। विश्वगुरु के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन विश्वगुरु जरूर बनते जा रहा है। लोग जब आप जाते हो ग्राउंड पे, आलम यह है हमारे हाथ जब माइक नहीं, आप प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ, किसी दिन चले जाना विदाउट माइक और विदाउट अपना कैमरा खोले उन्हें किसी से बात करना, आपको सच्चाई बता देगा। आज लोग बोलने से डरते हैं, आप कल ही देख लो, कल नोएडा में एक बड़ी मुख्यधारा की मीडिया है जो दिन रात जहर फैलाती है, दिन रात जहर फैलाती है, उसी को कल घर में, उसी के घर में घुस करके उसी को पीट दिया। और जब उसने कहा कि भाई साहब मैं तो मुख्यधारा की मीडिया से हूँ, बोले नहीं नहीं मैं उसी को पीट दिया, कूट दिया। तो भैया जैसा बोओगे वैसा ही तो काटोगे। चलिए